दोस्तों, हो सकता है कि आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिले। वो प्रॉब्लम होगी कि जब आप फेसबुक पे जाएंगे तो फेसबुक पे आप जो अपना रील्स अपलोड करते हो वो ऑप्शन शो नहीं हो आपको। जैसे थ्री डॉट पे आप क्लिक किए, यहाँ पे आप रील्स पे गए तो यहाँ पर आपको इस तरीके की इंटरफेस देखने को मिलती है, जहाँ पर ऊपर में आपको रील्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलता था, यहाँ ऊपर की तरफ वो आपको रील्स नहीं मिल पा रहा है। तो वो आप कैसे करेंगे? आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या अब हम सही तरीके से रील्स अपलोड कर सकते हैं या नहीं, या फिर आपके रील्स पे कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके जो प्रोफाइल है उस पे कोई प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है दोस्तों, आपको जो ऊपर में लोगो दिख रहा है आपके पेज का, इस लोगो पे आपको कर देना है क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करके हल्का सा नीचे आपको आना है, और यहाँ पे लोगों के पास जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे मोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, मोर पे क्लिक करिए, यहाँ पर रील्स का ऑप्शन दिख जाएगा, रील्स पे क्लिक करिए, ये सारे आपके रील्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आपको जितने भी रील्स आपके होंगे उसके जस्ट शुरुआत में ही, फर्स्ट में ही आपको क्रिएट रील का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप जाओगे, एलो एक्सेस का ऑप्शन मांग रहा है, आपको एलो एक्सेस पे क्लिक कर देना है। फिर से एक पॉपअप आएगा जिसमें भी आपको एलो कर देना है, और जैसे ही आप एलो कर देंगे एलो ऑल पे आपको क्लिक कर देना है, एंड इस वाले जो भी रील्स को आपको अपलोड करना है उस रील्स पे आप आ जाइए, और उसके बाद नेक्स्ट करके आप इस तरीके से इजीली अपने रील्स को अपलोड यहां से कर सकते हैं। तो मैंने इसका जो टैग वगैरह होता है वो लिख के रखा था, सो हम यहां पर कर देंगे, और उसके बाद रील्स को अपलोड करने के लिए दो चार आपको वायरल, ट्रेंडिंग, ये सारे जो रील्स होते हैं ये सब लगा देने हैं, और उसके बाद शेयर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शेयर नाउ पे क्लिक करेंगे बहुत ही स्मूथली आपका रील्स जो होगा कुछ ही सेकंड के अंदर आपका रील्स अपलोड हो जाएगा।